हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब विद एनके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएफएल रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में, जहां पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के डिपार्टमेंट से 2021 के लिए सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी बेरोजगार है, आप भी 2021 में एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के डिपार्टमेंट से 2021 की सीधी भर्तियां आ चुकी हैं, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंड अप्लाई कर पाएंगे, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर पाएंगे। शो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, चलिए जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एनएफएल रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में, जहां पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड डिपार्टमेंट की तरफ से 2021 के लिए सीधी भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर सीनियर मैनेजर, अकाउंट ऑफिसर, साथ में मटेरियल ऑफिसर एवं असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती होने जारी है। जहां पर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो यहां पर लगभग 23 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन का। और फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए जॉब लोकेशन के बारे में। तो यहां पर ऑल ओवर इंडिया का रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैन अप्लाई कर पाएंगे, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये अप्लीकेशन फीस लगने वाली है, बाकी की सभी कैटेगरी के लिए अप्लीकेशन फीस बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पेमेंट मोड के बारे में। तो यहाँ पर आपको इसका पेमेंट ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको इसका पेमेंट करना होगा। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होगी, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए पात्र होंगे। वहीं एज में छूट की बात की जाए, तो एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पर SC के लिए 5 वर्ष की तथा OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन राइटन एग्जाम एवं इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है 40,600 रुपये से लेकर 80,400 रुपये पर मंथ की। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर सभी राज्यों के लिए वैकेंसी आई है, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 26 मई 2021, वहीं लास्ट अप्लाई करने की 25 जून 2021। जहाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहेंगे, तो आपको 25 जून 2021 के पहले इसका आवेदन करना होगा। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।